बताएं आपकी क्या मांग है। ये प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से चल रहा है राजस्थान में और कुछ करोड़ों से स्टार्ट होकर आज 300 करोड़ का हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में घपले इस प्रकार हैं कि 10 सालों से इंजीनियरों का शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है। आज पिछले 2 या 3 सालों में 2 इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उनके परिवार तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, आर्थिक शोषण भी किया गया है। आज यहाँ पे हम जो भी इंजीनियर बैठे हैं इनको थर्ड पार्टी लिया जा रहा है और दिनों दिन शोषण किया जा रहा है। जब सरकार 40,000-50,000 रुपये कंपनियों को दे रही है, हमारा लेबर, हमारा श्रम कंपनियों को दे रही है, वो कंपनी हमको नहीं दे पाती है, तो सरकार को ये चाहिए कि ये इन कंपनियों को ना दे के हमको देवे। और जो भी थर्ड पार्टियाँ बीच में बना रखी है, जैसे पिछली बार प्रोजेक्ट IBM के पास में था, इस बार स्टेरलाइट के पास में टेंडर आया है, तो स्टेरलाइट ने वापस कोई तीसरी कंपनी को टेंडर दे दिया, प्रताप को टेंडर दे दिया। टेंडर देने के पीछे क्या आपकी क्या मानसिकता है, मेन चीज़ ये है, या क्या पैसा खाना ही एक उद्देश्य है क्या? इंजीनियरों का आज इंजीनियरों का शोषण हो रहा है। अपने को आज जो भी राजस्थान में जो भी योजनाएं चली आ रही है उसका मेन उद्देश्य है राजस्थान की जनता का हित। यहाँ पर हित तो नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो सरकारें शोषण के लिए नहीं बनी है, सरकारें बनी है राजस्थान की जनता का हित हो। तो मेरी यही मांग है कि जो भी सरकार से पेमेंट मिलता है, हमारे नाम पे जो भी पेमेंट मिलता है वो हमको मिले, और जो भी टेंडर हुए हैं गलत तरीके से वो जल्दी से जल्द निरस्त हो। ये हमारी मांग है। मेरा नाम अनुभव शर्मा है, नागौर डेगाना से।